यही है अभी कोरोना की महामारी के कारण हमारा देश विश्व भर में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है और करीब 7 लाख से ज़्यादा हमारे देश में केस आ चुके हैं अभी तक कोरोना पॉजिटिव के। और डेली कल की अगर बात करें, कल के आंकड़े की बात करें, 27,000 पेशेंट कल के दिन में क्रॉस करा। और इस स्थिति में अगर सरकार ने ये निर्णय लिया, अभी फाइनल ईयर वर्क के छात्रों पे एग्ज़ाम करवाने की बात रखी है, एक बहुत ही शर्मनाक डिसीजन उनके द्वारा लिया गया। ये मैं समझता हूँ डिसीजन सरकार के द्वारा लिया नहीं गया, जो हमारी मांगे थी, जिस जिस राज्य में हमारी सरकार थी, चाहे वो पंजाब हो, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, उधर भी एग्ज़ाम को स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात रखी गई, सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। राजस्थान सरकार में भी अशोक गहलोत जी द्वारा, पायलट साहब द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा ये फैसला लिया गया छात्रों को प्रमोट करने का। लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस और अपना एबीवीपी के दबाव के नीचे आकर यूजीसी के ऊपर प्रेशर डाला गया, एग्ज़ाम करवाने की बात रखी गई। हर जगह पे उन्होंने अपने पक की बात रखी है, लेकिन हम स्टूडेंट्स के पक की बात करते हैं, स्टूडेंट्स वेलफेयर की बात करते हैं। डे वन से हमारी यही लड़ाई है कि स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए, जब से हमारे देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं कोरोना की महामारी को लेकर। आज की स्थिति ये है, अभी देश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हमारे देश को, हिंदुस्तान को यंगिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि 50% इधर जो अपने यंगस्टर की वोट है, और अगर हम अपने नौजवान साथियों को, छात्र वर्ग को इस मुसीबत में धकेल देंगे, एक बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले समय में हमारे देश पर आ सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो भी हमें करना पड़े, हम सड़कों पर भी आएंगे। हमारी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक जो डिसीज़न यूजीसी की गाइडलाइन के थ्रू लिया गया, वो उस चीज़ को विड्रॉ नहीं करती, उस डिसीज़न को रद्द नहीं करती। और इसके साथ साथ मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ, इकोनॉमिकली क्राइसिस बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश में आ चुका है, छात्र वर्ग का एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। लास्ट सेमेस्टर की उनकी फीस, 6 मंथ की फीस उनकी माफ़ की जाए टोटली, और उनका रूम रेंट, जो उनका रूम का रखा किराया, वो भी बिल्कुल माफ़ किया जाए, ताकि जो एक छात्र को भी लगे, एक बड़ी राहत सरकार के द्वारा उनको दी गई है, एक बड़ी सहूलत उनको सरकार के द्वारा दी गई है। और मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से, यूजीसी से हम यही दोबारा अपील करते हैं, हमारी मांग को स्वीकार कर हर छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। लास्ट उनके 5 सेमेस्टर की परफॉर्मेंस चेक करते हुए, उनकी इंटरनल असेसमेंट चेक करते हुए, प्लस 10% एक्स्ट्रा ऐड करके उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जाए।